कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग हुई। कोरोना के खिलाफ 10 दिवसीय अभियान का आगाज हो चुका है। 21 जून से 30 जून तक ये अभियान है। सीएमआर से सीएम गहलोत ने इस अभियान की लॉन्चिंग की और 30 जून तक देश में पहला व्यापक जागरूकता अभियान चलेगा। वीसी के माध्यम से यहां पर 11,500 ग्राम पंचायतें जुड़ी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, ACS मेडिकल रोहित कुमार सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यही अपील प्रदेशवासियों से इस दौरान की कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है उससे बिल्कुल छूट नहीं मिली है, कम नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में केसेस बढ़ें, तो सबसे जो बचाव इससे अगर किया जा सकता है तो जागरूक रहकर ही किया जा सकता है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह डरुका फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार लोगों को यही समझाने की कोशिश की है कि समय समय पर जागरूक बिल्कुल रहें और बचाव जो बताए गए हैं सरकार के द्वारा उनको वो जरूर इस्तेमाल करें। और क्या नई अपडेट? देखिए मनीषा, देश भर में अभी तक कोरोना का काल लगातार जारी है। कोरोना के मामले आ रहे हैं और पूरी तरह से देश अनलॉक हो चुका है। प्रदेश में सभी गतिविधियां शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। अनलॉक हो गया तो अब एक ही मात्र उपाय है इस कोरोना से बचाव, वो है लोगों की जागरूकता। उसी को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ी पहल की है कि आज से प्रदेश में 10 दिवसीय जागरूकता अभियान, कोविड-19 जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। उस अभियान की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत ने आज सीएमआर से डिजिटल शुभारंभ किया, एक वर्चुअल के माध्यम से। इस शुभारंभ में करीब 11,500 जगह से लोग जुड़े, तमाम विधायक, मंत्री और जो कलेक्टर्स हैं, अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर के लोग जुड़े। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने पूरे देश में एक मिसाल दी कोरोना से लड़ाई की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और पूरे देश और दुनिया में राजस्थान एक मिसाल रहा। भीलवाड़ा मॉडल दिया, जयपुर मॉडल दिया, रिकवरी रेट हो, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है, जिस प्रकार से लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं अब लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है सरकार के साथ साथ, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस कोरोना की लड़ाई में धन की कोई कमी नहीं रहेगी, सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी लोगों की मदद में। लेकिन लोग आगे आए और जागरूक रहें, लोगों को जागरूक करें। जो ये अभियान चलेगा, गांव डाणी तक अभियान चलाया जाएगा, लोगों से कोरोना से बचाव को लेकर जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने अपील की आमजन से कि सब लोग इसमें भागीदारी निभाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना जरूरी है। सीएम अशोक गहलोत ने खुद मास्क लगाकर सेल्फी ली कि लोग अवेयर हों, क्योंकि इसके अलावा कोई बचाव नहीं है। बचाव ही उपाय, उन्होंने कहा कि ना भी इसकी कोई दवाई बनी है ना टीका बना है और अब पूरी तरह से गतिविधियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में जागरूकता ही इसका बचाव का उपाय है, इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। तमाम जो विधायक थे, मंत्री थे, वो सब लोग जुड़े। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की मनीषा, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि शुरू से ही जब लॉकडाउन लगा तब से सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि कोई भूखा नहीं सोए, उसी की तर्ज पे अब प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी। हालांकि उसकी तारीख की घोषणा नहीं होगी, लेकिन जल्द ही वो इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी। उसके तहत जो तमाम जो नगर पालिका क्षेत्र है, जो नगर पालिका इलाके है, निकाय, वहां पर उसके इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत होगी और जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो दो टाइम का भोजन कर सकेंगे। तो आज ये जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है, 10 दिन तक अभियान चलेगा। लेकिन इस दौरान एक बड़ी सौगात भी सीएम अशोक गहलोत ने गरीब लोगों के लिए दी है, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इस इंदिरा रसोई के माध्यम से भोजन कर सकेंगे। जी बिल्कुल पिंटू, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बड़ी एक तरीके से घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है इंदिरा रसोई की, कि तमाम जो लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन इसकी तारीख का जो ऐलान है वो अभी नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं राहत की खबर लोगों की। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।